नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। नगर निगम की टीम द्वारा गणेश नगर से प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं आज निगम ने कार्रवाई करते हुए 100 किलो से अधिक प्लास्टिक की थैलियां जब्त की हैं। ये थैलियां प्रतिबंध के बाद भी व्यापारी दुकानदारों को बेच रहा था। कार्रवाई के दौरान दुकानदार की ओर से विवाद की स्थिति बन गई, जिसके बाद टीम ने पुलिस को बुलावाया। पुलिस की मौजूदगी में टीम ने कार्रवाई कर पॉलिथीन जब्त की है। इंदौर नगर निगम ने शहर में प्लास्टिक की पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रतिबंध के बाद भी कुछ दुकानदार इन प्रकार की सामग्री को बेच रहे हैं। सूचना के बाद निगम की टीम ने गणेश नगर स्थित से अंकुर नामक युवक के घर पर कार्रवाई की। टीम ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी नटवर साड़रा भी मौजूदगी में घर से करीब 100 किलो माल जब्त किया। यह पहला मामला नहीं है कि पॉलिथीन के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की हो। इससे पहले भी निगम बड़ी कार्रवाई कर पॉलिथीन जब्त कर चुका है। रखे कर रहा है काम भाई, अब ये रख रहा है तो इसका जो भी हो रहा है करके सब खत्म कर पाएंगे। ये क्या वही कर रहे हैं? हां ये मतलब है ना, हम मिनिमम वाले ही काम कर रहे हैं। हम इनका कुछ बता रहा हूं अनिल भैया, सर बहुत हल्का है। पुलिस जानेगी और आप जानोगे, एफआईआर होती है। इधर मेरी गुंजाइश नहीं है, मेरे को इससे मतलब नहीं। तुम्हारी गुंजाइश नहीं, धंधे की गुंजाइश थी कि नहीं? वाकई में नहीं, धंधा भी तो वो नहीं कर रहा हूं बड़े पैमाने पर। मेरा इसमें नहीं, पूरा शहर को बर्बाद कर रहे हो तुम, ये इमोशनल होकर रो के क्या दिखा रहे हो शहर? अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।